Oh my god! Oh my god! Hello friends! So guys, आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं. मतलब यार हमने सुना है कि आप बिस्किट से आइसक्रीम बना लेते हो. तो कैसे यार, हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे आखिर कैसे, इसका जवाब जानना चाहते हैं क्योंकि हम हैं RS1313 फूडी. असी भी फूडी, सैटरडे भी फूडी, सैटरडे भी फूडी. यार ये मतलब चक्कर क्या है पुनी, चक्कर क्या है यार, कैसे लोग बिस्किट से आइसक्रीम बना लेते हैं? गाइस ये ना बड़े सारे लोगों ने बोला, कईयों ने बोला नहीं नहीं हमने तो बनाई, कईयों ने बोला भाई जमती नहीं है झूठ बोल रहे हैं. हमने कहा आज ये चैलेंज हम ले ही लेते हैं. yes. और आज हम आपके सामने वीडियो बना के दिखाएंगे कि जमती है कि नहीं जमती. क्या नहीं जमती तो है और साथ में जम भी जाएगी. चलो मान लिया जम जाएगी. यम्मी कैसे बनाना है, उसको बच्चे कैसे लाइक करेंगे, बच्चों को एंजॉय कैसे करानी है ये वाली आइटम. कई लोगों ने, मैंने देखा है कई लोगों ने ओरियो के साथ भी ये किया है. यार तो गाइज अगर आप कमेंट करके बताओ क्या हम ओरियो के साथ भी ये वाला एक्सपेरिमेंट मतलब चैलेंज करें, तो गाइज कमेंट करना. और अब क्या प्लान है पुनीत, व्हाट आर वी डूइंग? प्लान बहुत सिंपल है गाइज. इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने पड़े हैं, हम सीधा ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इन एक्शन आते हैं. क्योंकि मेरे पास क्या क्या है, गो अहेड. वी हैव एन एम्प्टी ग्लास हियर, ठीक है, वन हाइड एंड सीक 20 grams एक्स्ट्रा हमें मिला है. आपको मिला ना मिले हमें नहीं पता. हाँ. हल्का सा वॉर्म मिल्क, बहुत हल्का सा वॉर्म मिल्क, एंड ये डंडी एंड ये दोनों पीसने के हथियार. लेट्स स्टार्ट द कुकिंग. पहले पहले हाँ, मैश करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो हम पैकेट बंद के अंदर इसको मैश कर लें, या इसको हम थोड़ा सा खोल के. तो गाइस ये वाले पैकेट को हम आगे से दिखाओ नाना, ऊपर से थोड़ा सा खोल देंगे, बिकॉज जब हम इसको ऊपर से कूटेंगे अंदर के बिस्किट को मैश करने के लिए, अगर ये बंद पैकेट में करेंगे तो वो फट सकता है. तो पैकेट को फाड़ना नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा मुंह खोल देंगे ताकि थोड़ी सी हवा निकल जाए, एंड देन कूटो 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 कूटो. ओके कूटो 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 कूटो. चलो रमी आप जरा इसको करो, मैं आती हूँ एक सेकेंड. हाँ ओके ओके. तो गाइस इसमें से हमने थोड़े से बिस्किट निकाल दिए हैं, क्योंकि तो हमने इसी में दूध डालना है, इसी में जमाना है, इसी को ही फ्रीज करना है. थोड़ी जगह होनी चाहिए मूवमेंट के लिए. तो अब हम इसको ठा 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 मारने लगे हैं ताकि इसका कचुंबर निकल जाए और एक स्वादिष्ट आइसक्रीम बने. ठीक है करो स्टार्ट. एक बार आप शुरू करो, मैं कोई मम्मा के पास से होकर आई. ठीक है ठीक है चलो करो करो. मम्मा बहुत प्रॉब्लम हो गई है. क्या हुआ नानिया, तो इतनी परेशान क्यों है? मम्मा मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे इतने सारे डाउट्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तो अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को यूज करना, यहाँ पर तू अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकती है, वो भी 24/7. अच्छा हाँ, मुझे कल ही पूनम आंटी ने इसके बारे में बताया. सुन अगर तू 10 डाउट्स पूछती है तो तुझे मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, वो भी फ्री. ये सब्सक्रिप्शन तुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. वाओ इससे तो मेरे एग्जाम प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प हो जाएगी. मम्मा वैसे मैं कितने डाउट्स पूछ सकती हूँ? अनलिमिटेड डाउट्स. क्या? हाँ और तुझे मिलेगा हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, और तेरे होमवर्क में भी असिस्टेंस हो जाएगी. तो मुझे ये फीचर कैसे यूज करना होगा? अनअकैडमी ऐप पे आस्क अ डाउट फीचर पे जाओ, अपने डाउट की इमेज अपलोड करो, अपना सब्जेक्ट चूज करो. सिंपल. ठीक है मैं अभी करती हूँ. और हाँ ये याद रखना, ये ऑफर फर्स्ट टाइम फ्री लर्नर्स के लिए है. अब फ्री सब्सक्रिप्शन 15 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच 10 डाउट्स कंप्लीशन के बाद एक्टिवेट होगी. ओके मामा. तो फ्रेंड्स आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें और हमारा कोड RSF10 यूज करें. इससे आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ मिलेगा. चल अब तो तेरी टेंशन खत्म हो गई ना. हाँ अपना चैलेंज कंप्लीट करते हैं. वो कुछ यहाँ बस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गया. चेक करो पुनीत हो गया क्या? मैं चेक करूंगी. करो करो चेक करो. वो हो गया है काफी अच्छी तरह से. चलो फिर आगे का स्टेप करो. दिखाओ सबको दिखाओ जी, हम इन्होंने अच्छा काम करा है.
ये काम इन्होंने अच्छा किया है, हमने कूट लिया उसको, पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप बना दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूध, ग्लास में डालेंगे फॉर सपोर्ट। गुड गुड गुड। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दो नहीं तीन डालो वो सारा सोक होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में डाल देना, थोड़ा थोड़ा एक साइड में डाल। देख रहे हो हमारे इंजीनियर कितनी जबरदस्त आरएनडी करते हैं। इधर से घुसे हुए हैं पूरा अंदर, सही पकड़े हैं कि बस आज तो हमने चांद पे पानी निकाल ही देना है। क्या बोला तूने? ले जाओ ये भी बात ठीक है, चांद में पानी निकालना है साथ में ले जाओ, ये भी ठीक है। थोड़ा सा गुड आइडिया, वो जो चॉपस्टिक है ना उसे स्टर कर लो, वो ना सोक कर लेगा सारा दूध। ठीक है तो सेट हो गया है गाइस, इतना काफी है गाइस, काफी है और नहीं डालना। और अब क्योंकि अब पूरा सेट हो गया है, अब अनान्या इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है इसमें ये गंदी घुसानी है एंड देन इन द फ्रीजर। डोंट फॉरगेट गाइस, हां डोंट फॉरगेट टू कवर इट, रबड़ बैंड लेकर आओ हमारे को, और हमारे को इसको ऐसे नहीं करना, पहले स्टिक तो डाले, स्टिक तो डालो, स्टिक तो आपके हाथ में ही है, आपको नहीं डालनी है, असी थोड़ी पानी है। 3 2 1 मिड में कर ना, डाल दिया। ओके हो गया हो गया, पुनीत रबड़ बैंड लगाओ जो है रबड़, पहले फॉइल डालेंगे, लाओ पहले मैं लगा दूं, नहीं पहले इसमें यहाँ लगाएंगे, ऐसा करो स्टिक को अड़ाकर इसका मुंह बंद कर दो, हो गया हो गया, स्टिक बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, ताकि एयर का अंदर बाहर ना, पहले इसे अन पहले इसे मैं कुछ बोल रही हूँ, बोलने दे बोलने दे, बोलो जी बोलो, ताकि ये रबर बैंड इसलिए बांध रहे हैं और फॉइल इससे ऊपर रख रहे हैं ताकि एयर का अंदर बाहर ना हो, इसलिए वो क्विक जम जाएगी और जल्दी भी जम जाएगी। अंग्रेजी हिंदी का ही वर्ड था, सेट हो गया गाइस, ये इसको पहले होल तो करने दे, हां होल कर, बॉस ही करेंगे हमें नहीं करने देंगे बॉस। लो जी अभी तैयार हो जाओ, ये खराब हो जाएगा, कुछ मुझे भी तो करने दो यार, मैं भी तो करने आया हूँ यहाँ पे, ये देखो किसी को भी नहीं करने देते हैं यार, ये देखो ये मैं करूंगा, ये मेरा काम है, आई एम द बॉस। सारी चीजें तो हमने करी है यार, कुछ तो मुझे भी करने दो ना, आधी चीजें हमारी खराब हो जाती है, हमें दो दो तीन तीन बार बनानी पड़ती है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंजीनियर इतने सारे हैं, साइंटिस्ट हैं सारे, और हमारा ये तैयार हो गया है, अब हम कृपया करके इसे फ्रीजर में रख दें, आइए इसको फ्रीजर में रखें, आइए आइए आइए। हमने अभी आइसक्रीम को बाय इसको आइसक्रीम को बाय कर दिया, जो कि आइसक्रीम बनने वाली है बाद में, और आपके लिए एक हम ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, लेकिन हमें इसको ओवरनाइट रखना पड़ेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे लेटर। तो गाइज फाइनली टाइम आ गया है आपको रिजल्ट दिखाने का और अपनी आइसक्रीम को फाइनल शेप देने का, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट, अनान्या लेट्स स्टार्ट, खोलो यार इसको, एंड जस्ट ओपन इट, ओके ओपन ओपन करो, ओके 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 ओके। गाइस मैं आपको बता दूं, हमने इसको ओवरनाइट ही जमाया है, ओवरनाइट के अंदर ये सुबह तक पक्की हो चुकी थी नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर पे, मतलब फ्रीजर में ही ऑफकोर्स, एंड रिजल्ट इज नाइस। शेप तो देखो इसकी आप जो छोड़ोगे वही निकलेगी, मगर द बेस्ट पार्ट है कि इतनी अच्छे से जम गई है और इसको देखकर इतना मजा आ रहा है गाइस, ज़ूम पैकेट ही है। अब इसको ये गाइस अभी इतना इसका मजा नहीं आएगा, अब टाइम आ गया है इसको सही में गार्निश करने का। तो गाइस हमने जो नॉर्मल चॉकलेट आती है कंपाउंड चॉकलेट हमने उसको मेल्ट कर लिया है, और गाइस एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर दूध नहीं मिलाना, इसको नॉर्मल मेल्ट करना, और अब इसको हम जिस तरह से उसके ऊपर वो चिपक रही है ना चॉकलेट, ओह माय गॉड, ये तो फाउंड
फाउंटेन लग रहा है मेरे को गाइस, चॉकलेट फाउंटेन। चलो भाई इसको गार्निश करो। Look at this. Sare, everybody will try this at home and let me know kaisa bana. Done. Guys, देख रहे हो कितना yummy look आ रहा है और family हम लोग मिलके बनाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। तो पहली bite लेगी अनन्या, बहुत yummy idea. But अंदर भी जमा होगा bite कैसे होगा? Bite ले 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 ले। Ice cream है ना? Ice cream तो जमा ही होगा। ले। भाई ने सही बाइट ले लिया। चलो शनाया आपकी बाइट। मेरी बाइट है, मेरी बाइट है। मेरी बारी। ऑसम भाई, आप भी ट्राई करके बताना कि आपने जो आपने ये हाइड एंड सीक की आइसक्रीम बनाई हम कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और कौन कौन से हम रेसिपीज ट्राई करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हिट लाइक कर दो, इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना, हमारे वीडियो देखते रहना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। गो रश चैलेंज पुनीत वर्सेस किड्स लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 व्लॉग्स पे। गाइस ये हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत मजा।